नमस्कार, सनमार्ग के डिजिटल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान जी। शिवराज जी से हम विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे। तो पहला सवाल ये है कि बंगाल में आप आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? हाउ इज द जोश? यहाँ की जनता सचमुच में बहुत प्यारी है। बंगाल तो देश की बुद्धि भी है, बंगाल देश का बल भी है, बंगाल देश की ताकत भी है। तो आमार सोनार बांग्ला तो हमेशा बहुत अच्छा लगता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ जो महापुरुषों की इस भूमि पर मुझे आने का मौका मिला है। क्या भाजपा जो है बंगाल में ममता जी का मुकाबला कर पाएगी? जैसा कि सभाओं को अनुमति तक नहीं दी जा रही है, तो क्या सोचते हैं आप? मुकाबला के लिए भाजपा नहीं, जनता करेगी, क्योंकि तानाशाही का राज और आतंक का राज यहां कायम कर रखा है ममता जी ने। बंगाल का ये दुर्भाग्य है कि पहले 30 साल कांग्रेस का शासन यहां रहा तो गरीबी की गर्त में बंगाल धकेला गया। बाद में कम्युनिस्टों ने राज किया तो हिंसा के नए दौर की शुरुआत हो गई। और अब ममता जी है तो गरीबी भी है, हिंसा भी है और सिंडिकेट की अराजकता भी है। लोकतंत्र समाप्त कर दिया गया है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब ये कहीं होता है कि किसी पार्टी के, भाजपा जैसी पार्टी के नेताओं की सभा ना हो, ये कोशिश की जाए? प्रधानमंत्री जी की सभा ना हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी की सभा ना हो, हेलीकॉप्टर को लैंड करने की अनुमति ही ना दो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आने से रोका जाए? मुझे भी कल हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन नहीं दी गई, बाय रोड जाना पड़ा। मुझे लगता है सरकार चलाने के अलावा ममता जी सब कुछ कर रही हैं, धरना दे रही हैं, आतंकित कर रही हैं, लोगों को रोकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसका परिणाम ममता जी के लिए अच्छा नहीं होगा। ममता जी मतलब व्यक्तिगत ममता जी की बात नहीं कर रहा, जनता मन बना रही है टीएमसी को उखाड़ के फेंकने का, और विकल्प एक है केवल, भारतीय जनता पार्टी। कहीं भी आपकी पार्टी को बंगाल से कितनी सीटें जीतने का अनुमान है? देखिए, हम लोकसभा में भी शानदार सफलता प्राप्त करेंगे, लोग अंदाज नहीं लगा पा रहे हैं हमें, लेकिन लैंडस्लाइड विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। और बाद में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो मैं कह रहा हूँ पूरे विश्वास के साथ कि जिस जीवटता के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संघर्ष कर रहा है और जनता साथ आ रही है, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि हम बंगाल में सरकार बनाएंगे। आप 15 सालों से मुख्यमंत्री रहे हैं, दशकों से आप राजनीति करते आ रहे हैं, कभी ऐसी स्थिति किसी भी राज्य में आपने देखी है जहां बंगाल की जो स्थिति है? ये तो मुझे लगता है कि जब हमारा जन्म नहीं हुआ था और अंग्रेजों का राज था तब भी ये नहीं था। सभा की परमिशन होती थी, लोग विचार व्यक्त करते थे। ये अभूतपूर्व स्थिति है जब विचारों को भी व्यक्त करने से रोका जा रहा है, नेताओं को जनता से नहीं मिलने दिया जा रहा। आपातकाल से भयानक स्थिति ममता जी ने पश्चिम बंगाल में पैदा कर दी। मध्य प्रदेश की अगर बात करें सर, तो भले ही नंबर में हुई हो हार, लेकिन हार हुई है, तो क्या कारण रहा है, कहां चूक रह गई? क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं, भयभीत में कर्तव्य पद पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, और हार का कारण मैं ही हूं, क्योंकि लीडर वो नहीं होता जो कहे कि ये हो गया कि वो हो गया। नेता स्वीकार करता है कि जीत का श्रेय अगर हम लेते हैं तो हार की जिम्मेदारी भी हमारी है, लेकिन इतना है कि हमको वोट ज्यादा प्राप्त हुए, इतना है कि लोकसभा के सेक्टर में अगर देखें तो 17 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में भारतीय जनता पार्टी आगे रही, 12 में कांग्रेस आगे रही, वोट हमारे ज्यादा, लोकसभा में सीटें ज्यादा, हम लोग जीतेंगे ही, अभी भी हम आगे, लेकिन विधानसभा में अंकगणित थोड़ा सा बिगड़ गया। आखिरी सवाल है सर, आप पूरे देश के मामा जी कैसे कहलाते हैं? देखिए, मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ,
और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद कई योजनाएं मैंने प्रारंभ की, जिसमें एक थी लाडली लक्ष्मी, जिसमें बेटियों को जन्म लेंगी तो लखपति ही होगी। मैंने योजना बनाई उनके अकाउंट में पैसा डाल के, और जब वो 21 साल की होंगी तो 1,18,000 रुपया मिलेंगे और बीच बीच में शिक्षा के लिए पैसे भी मिलेंगे। तो पहले मध्य प्रदेश की बेटियों ने मुझे मामा कहना शुरू किया, उसके बाद बेटियों को पढ़ने के लिए साइकिल दी, निःशुल्क किताबें दी, बेटियों की शादी शुरू की। तो शुरू किया बेटियों ने मामा कहना, फिर बेटों को भी हमने सुविधाएं देना शुरू की तो बेटे भी मामा कहने लगे। धीरे धीरे मामा ऐसा चला कि बूढ़े भी अब मामा कहने लगे और अब मध्य प्रदेश में नहीं बाहर भी मामा कहने लगे। बच्चों के प्रति जो अगाध स्नेह है, प्रेम है, मैं बच्चों को भगवान का रूप मानता हूँ और उनसे बहुत प्यार करता हूँ, उन बच्चों ने मामा कहना शुरू किया। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, बंगाल में भी राजनीतिक गर्मी तेज होती जा रही है, लगातार भाजपा नेताओं का आना जारी है। इसी के तहत हमने बात की मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से। कैमरामैन रवि शर्मा के साथ मैं मधु सिंह, सनमार्ग, कोलकाता।